हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि थंबनेल पर देखकर समझ ही गए होंगे, बिना रोल नंबर के कक्षा 10वीं का रिजल्ट कैसे देखें। तो दोस्तों, बिना रोल नंबर के आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आप वीडियो में यदि लास्ट तक बने रहते हैं तो आप बिना रोल नंबर के अपना रिजल्ट देख पाएंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो मैं आगे क्या क्या बताता हूँ, आप ध्यान से देख जाइए। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा दोस्तों गूगल पर, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन कर लेना होगा और आपको यहाँ पे सर्च करना होगा दोस्तों। क्या आपको यहाँ पे सर्च करना होगा परीक्षा फॉर्म की स्थिति। हाँ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए कक्षा 9वीं की मार्कशीट। हाँ दोस्तों, आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए कक्षा 9 की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप कक्षा 9वीं की मार्कशीट ले ले पहले, और पूरे वीडियो को जैसे जैसे मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस करते चले, आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे 100%। यदि फिर आप अपना रिजल्ट 100% देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख पूरा देखने के बाद आपको समझ ना आए कि रिजल्ट कैसे देखना है या रिजल्ट नहीं देख पाए, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने 10 दोस्तों से भी अनसब्सक्राइब करवा सकते हैं। और यदि आपको अपना रिजल्ट देख पाए तो आप सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और इस चैनल का नेम है स्मार्ट कोचिंग नंबर। तो आइए वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पर सबसे पहले, यदि आपके पास रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपको किस तरह रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर पहले निकालना है और फिर उसके बाद रिजल्ट देखना। हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। आपका रिजल्ट नाम से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आपको पहले रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड करना होगा, वो भी आपकी कक्षा 9वीं की मार्कशीट की सहायता से हो पाएगा ये। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए या अभी चले जाइए। तो दोस्तों देखिए, आपको पहले सबसे पहले गूगल में टाइप करना सर्च करना है सर्च होगा है परीक्षा फॉर्म की स्थिति, और जो आगे जो भी लिखा है उसे मैं कट कर देता हूं दोस्तों। मुझे बस इतना ही लिखना है, परीक्षा फॉर्म की स्थिति। दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा परीक्षा फॉर्म की स्थिति। तो देखिए, मैं यहाँ से फिर से सर्च करूँगा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे फिर से सर्च करता हूँ दोस्तों। रुकिए एक सेकंड के लिए, बने रहिए लास्ट तक। देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा परीक्षा फॉर्म की स्थिति। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए अपना रिजल्ट देखने के बाद कि आपका कितना परसेंट रिजल्ट आया है। तो परीक्षा फॉर्म की स्थिति लिखने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म। ये आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, bscmp.nic.in स्कूल पब्लिक, आगे लिखा होगा उसके स्कूल पब्लिक। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों। हाँ, इस पर नहीं करना है, दो वेबसाइट आएंगी, एक इसी के नीचे एक और वेबसाइट आएगी https://mpbsc.nic.in ऑनलाइन सर्विस। हाँ, इसके बाद में लिखा होगा दोस्तों ऑनलाइन सर्विस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे परीक्षा फॉर्म बोर्ड ऑफ यहाँ पे bscmp.nic.in ऑनलाइन सर्विस। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन सर्विस, जैसे कि मैंने टिक का निशान लगाया यहाँ पे, तो आप इसी ऑनलाइन सर्विस पर आपको इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखने बाद अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हैं तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके 10 लोगों से अनसब्सक्राइब करवा सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों। और यदि आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो आप 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, इस तरह आपके सामने इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। इसे हमें ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे ऐसे ऊपर की ओर खिसकाना है नुगैया से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है
दोस्तों यहाँ पे लिखा है परीक्षा फॉर्म की स्थिति जाने, स्थिति जाने, इसी के नीचे स्थिति जाने पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही हम स्थिति जाने पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म की स्थिति, यहाँ पे नामांकन क्रमांक प्रविष्ट करें। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें नामांकन प्रविष्ट क्रमांक डालना है परीक्षा फॉर्म की स्थिति जानने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको अपनी कक्षा 9 की मार्कशीट ले लेना है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया था आपको इसमें कक्षा 9 की मार्कशीट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आपको आपके स्कूल से कक्षा 9 की मार्कशीट मिली होगी इस तरीके की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कक्षा 9 की मार्कशीट। हाँ, तो कक्षा 9 की मार्कशीट लेने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, इसमें यहाँ पे लिखा होगा हिंदी में नामांकन क्रमांक। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नामांकन क्रमांक। दोस्तों आप नामांकन क्रमांक यहाँ पे जो भी लिखा है उससे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है नामांकन क्रमांक, और उसके नीचे एक नंबर दिया है A19161104020 /C/ जैसा कि इसमें लगा है ऐसा डंडा टेढ़ा सा, इसको भी आपको लगाना है दोस्तों। और इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं, ये आपकी आपके क्या है, आपकी मार्कशीट में अलग नंबर होगा तो आपको वही डालना है, ना कि ये वाला। आपको अपनी मार्कशीट से ये नंबर डाल के यहाँ पे, जैसे कि मेरे में यहाँ पे है इसको पहले इंग्लिश में कर लूँ, A19 हमारी में A19, फिर ये डंडा टेढ़ा वाला, फिर इसके बाद इसको स्लैश कहते हैं दोस्तों 16, यहाँ पे पूरा नंबर भरने के बाद क्या है नंबर है यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 11, फिर 04, फिर स्लैश, फिर इसके बाद आपको भरना है 0, सॉरी दोस्तों आपको नहीं भरना है, मुझे भरना है, आपको भरना है अपनी मार्कशीट से। इस तरह आप अपनी मार्कशीट से डाल लेंगे ये नामांकन नंबर। नामांकन नंबर डालने के बाद आप परीक्षा फॉर्म की स्थिति जाने पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन पर लोडिंग चल रहा है इंटरनेट, तो इसी तरह आपका भी चलेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा फॉर्म की नंबर डालने के बाद आवेदन क्रमांक, जैसे कि आप जिस विद्यार्थी का नामांकन क्रमांक यहाँ पे डालेंगे मार्कशीट का, उसी विद्यार्थी का आपको यहाँ पे नेम दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है दोस्तों खुशबू कुशवा का, तो यहाँ पे आ गया है खुशबू कुशवा। अब यहाँ पे मैं विद्यार्थी के नाम पर क्लिक कर दूंगा तो उसका डिटेल खुल के आ जाएगा सामने दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है परीक्षा आवेदन क्रमांक, पिता का नाम, परीक्षा फॉर्म दिनांक और परीक्षा के लिए दी गई राशि 900 रुपये। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहीं से देखने वाली बात है। यहाँ पे दूसरी बात है, पहली बात थी नामांकन क्रमांक डालना था आपको, दूसरी बात यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा परीक्षा आवेदन क्रमांक या आवेदन क्रमांक। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आपको परीक्षा आवेदन क्रमांक, उसको आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी कॉपी में पेंसिल से लिख लेना है या याद कर लेना है या फिर अपने मोबाइल में कहीं सेव कर लेना है इस तरह कॉपी करके, जैसे कि मैंने कर लिया। आप यदि कॉपी करना नहीं जानते हैं तो आप इसे पेन से लिख सकते हैं, इस नंबर की हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इस नंबर को लिख रहना है। इसी नंबर से हमें रोल नंबर प्राप्त हो जाएगा अपना और फिर हम अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो इस नंबर को लिखने के बाद आपको आपको करना क्या है, इस नंबर को लिखने के बाद आपको जाना है दोस्तों फिर से गूगल पर। हाँ दोस्तों, आपको जाना है फिर से गूगल पर। आप फिर से गूगल पर जाएंगे दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, कृपया वीडियो को देखते रहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिजल्ट जरूर चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए, आपको यहाँ पे फिर से गूगल पर जाने के बाद उस नंबर को ज़रूर लिख लेना है, वो नंबर अभी हमें चाहिएगा। तो यहाँ पर हमें सर्च क्या करना है गूगल पर, फिर से जाने के बाद MPBSC ऑनलाइन mpbsconline.com या mpbsconline आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी mpbsc कैपिटल लेटर में mp online। आपको सिंपली क्या करना है, इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। आप जिस तरह इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैंने किया है,
आप पर डाउनलोड होने लगेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे इससे 100%। तो देखते रहिए। फिर आपको क्या है दोस्तों, आपको इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा लाल कलर में, दोस्तों लाल कलर में आपको नज़र आ रहा होगा क्या, यहाँ पे एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म्स लाल लाल बना है। इसी पर आपको जो ये लाल लाल है इसी पर रेड, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है दोस्तों। आप इस पर क्लिक कर दोगे, जैसे आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे आपको इसे स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे व्यू मैन रिजल्ट्स, दोस्तों यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो आपको रिजल्ट तो देखना नहीं है क्योंकि आपको अपना अभी रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर पता नहीं है। इसको आपको ऊपर की ओर खिसकाने के बाद, ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा दोस्तों, क्या सीरियल नंबर 2 के बाद आपको नज़र आएगा एप्लीकेशन नेम डिटेल्स। इसके नीचे एप्लीकेशन नेम डिटेल्स के नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे कि मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रिंट मैन एग्जाम एडमिट कार्ड। हाँ दोस्तों, प्रिंट मैन एग्जाम एडमिट कार्ड। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली इसी पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक करने के बाद नेट देखिए ये हो गया है डाउनलोड। आपको इस पर सॉरी अभी नहीं हुआ है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आवेदन क्रमांक। आवेदन क्रमांक दोस्तों, अभी मैं इसी वीडियो में पहले आपको बताया हूँ किस तरह निकालना है। मैंने कहा था आप इसे पेन से मैंने पहले भी कहा था, आप वीडियो को स्किप करके या निकाल के ना देखे आपको समझ नहीं आएगा। मैंने अभी पहले कहा था इस आवेदन क्रमांक को, परीक्षा आवेदन क्रमांक को आप अपनी कॉपी पर नोट कर ले या फिर कहीं पे सेव कर ले या कॉपी कर ले। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वही आवेदन क्रमांक डाल देना है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी कॉपी किया था तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपने लिखा होगा अपने पेन से तो आप उसे आवेदन क्रमांक यहाँ पर भर देंगे। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर भर देना है जैसे कि मैंने भर दिया है। आपको इसको भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कुछ भी यहाँ पे जोड़ने को या घटाने को नज़र आ सकता है। यहाँ पे आंसर लिखा होगा दोस्तों, पुस्तक में आंसर। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो ऊपर आपको संख्या दिख रही है, जैसे कि मेरे में जोड़ आ रहा है इसका, तो मैं इसको जोड़ के लिख दूंगा। 6+3 आ रहा है मेरे में तो 9 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। आपके में जो भी आ रहा हो आप वो लिख दें। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड इस तरीके का डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि मैंने किया है ये होगा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे खुशबू कुशवाहा, पिताजी का नाम यहाँ पे बुद्ध सिंह कुशवाहा दिखा रहा है इनके। तो देखिए ये मेरी सिस्टर ही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये इनका रोल नंबर है दोस्तों। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आपको यदि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है रोल नंबर दोस्तों। आपको इस रोल नंबर और यहाँ पे फॉर्म सक्रमांक यानी कि इसी को हम एप्लीकेशन नंबर कहते हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों नंबरों की ज़रूरत होगी। तो आप सिंपली अपने एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट या ले सकते हैं इन दोनों नंबरों को, स्क्रीनशॉट लेके इन दोनों नंबरों को ऐसे इस तरह जैसे कि मैंने ले लिया 3 उंगली से, या फिर आप इन दोनों नंबरों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पे फॉर्म सा क्रमांक नंबर दिया गया है, एक यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, इन दोनों नंबरों को लिख लेना। ये रोल नंबर, ये फॉर्म सा क्रमांक नंबर, इसे इंग्लिश में दोस्तों हम एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं दोस्तों। इन दोनों नंबरों को आपको लिखने के बाद कॉपी में फिर जिस तरह मैं वो वीडियो बताया हूँ आपको किस तरह रिजल्ट चेक करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि आप